हाय शार्क्स, मैं हूँ हर्ष। हाय शार्क्स, मैं हूँ सिमर। हाय शार्क्स, मैं हूँ दानिश। शार्क्स, अब सोच ही रहे होंगे कि मैं स्नीकर्स को हाथ में लेके क्यों आया हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ स्नीकर्स नहीं है, ये हैं हाइप्ड और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। ये स्नीकर्स नाइकी की वेबसाइट पे सुबह 7:30 बजे रिलीज होते हैं और सुबह 7:31 पे सोल्ड आउट हो जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसकी सप्लाई लिमिटेड ही है। इस वजह से ये स्नीकर्स रीसेल मार्केट में प्रीमियम प्राइस पे बिकते हैं। स्नीकर्स, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी, एक्चुअली स्टार्ट्स बिकमिंग अ पैशन। ज्वेलरी की तरह लोग यूज कर रहे हैं आजकल स्नीकर्स को, कि इसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ यार मैंने ये पहना है। अगर आपने 2020 में गोल्ड खरीदा था तो उसकी परसेंटेज इज वे लेसर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन दीज स्नीकर्स डेफिनेटली। द स्टार्टिंग बिड इज 12K, 13K, 16K, 17.5, गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस एंड सोल्ड। जब हम बड़े हुए थे ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था और हमें ये चाहिए था, ये सिर्फ अमेरिका में होता था या सिर्फ बड़ी कंट्रीज में होता था, बट हम ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो आप स्नीकर्स को भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं एक स्नीकर हेड हूं, मुझे स्नीकर्स का बहुत ज्यादा शौक है, बट मैं इतना लकी नहीं हूं कि मुझे नाइकी से अर्ली मॉर्निंग स्नीकर्स रिटेल पे मिल जाए। सो आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट कि मैं रीसेल मार्केट से इन स्नीकर्स को खरीदूं। सो रीसेल मार्केट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक रीसेलर से मुझे पर्टिकुलरली जो स्नीकर चाहिए वो मिलना ज़रूरी नहीं है, एंड अगर वो स्नीकर मिलता भी है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो साइज़ भी मुझे अपना मिले। अदर देन दैट, अगर मुझे सब मिल भी जाता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हो सकता है उस स्नीकर के फेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो शार्क्स, दिस इज़ वेयर फाइंडर किक्स इंडिया कम्स इनटू द गेम। फाइंडर किक्स इंडिया एक ऐसा रीसेलर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर लिमिटेड स्नीकर हर साइज में अवेलेबल मिलेगा और स्नीकर के फेक होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम हर स्नीकर को एक 20 चेकपॉइंट की लिस्ट से लेजिट चेक कर ही बायर के पास भेजते हैं। ऑल्सो, अगर आपको कभी प्रॉफिट पर अपना स्नीकर बेचना भी हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना स्नीकर लिस्ट करके बहुत आसानी से बेच सकते हैं। फिलहाल हम इंस्टाग्राम पे ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी ऐप और वेबसाइट रेडी टू लॉन्च है। So, आसान भाषा में बोले तो हम स्नीकर्स और स्ट्रीटवेयर के हम फ्लिपकार्ट हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की सारी नीड्स फुलफिल होती है। हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी। वंडरफुल। तो हर्ष, दानिश और सिमर, आप तीनों का शार्क टैंक पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने जो वर्ड यूज किया स्नीकर हेड, मेरे घर में तीन है, मेरे हस्बैंड और दो बेटे, मैं तंग आ जाती हूँ यूएस से सूटकेस भर भर के मैं स्नीकर्स लाती हूँ, तो ये बहुत ही अपकमिंग बिजनेस है। आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। ऑल ऑफ अस थ्री आर फ्रॉम लुधियाना पंजाब। हम तीनों 24 एज के हैं। वी आर एक्चुअली चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ओह वंडरफुल। मी एंड हर्ष आर फर्स्ट कजिन्स। कुछ पढ़ाई वढ़ाई किए कि जूते बेचने निकल चले ऐसे? I have done my schooling from Ludhiana only, and after that GGS College, Delhi University से मैंने BCom करी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक IIT दिल्ली से की है। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन GGS College, Delhi University से की है। तो इसलिए जूते आपको पकड़ा है। तेरी शक्ल अच्छी है ना, सेंटर में कहते खड़े हो। शक्ल अच्छी है। कॉन्फिडेंस भी है, वाह वाह। तो यार ये बिजनेस तो काफी अच्छा है। मैं इतने महंगे जूते नहीं खरीदे आज तक, बट मैं दुबई मॉल में भी गया, वहाँ पे एक एलिवेट शूज करके है, आप उसके अंदर जाओ आपको लगता है चल क्या रहे, अलग ही दुनिया चल रही है, और डिज्नीलैंड चल रहा है जूतों, जिसको जूते पसंद है तो मार्केट है। रणवीर सिंह की मूवी आई थी, मेरे को याद है, उसमें वो तिजोरी के अंदर से अपने स्नीकर निकालता है, रैपर होता है, गली बॉय, गली बॉयज। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि चलो वैल्यू भी होगी इनकी, कोई इसका सब कल्चर है, बट इंडिया में कितना बड़ा है ये, और जो वो मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट कितनी है और रीसेलिंग की मार्केट कितनी है, ये अगर आपको पता हो तो। इंडिया की ओवरऑल स्नीकर मार्केट तो अभी इस टाइम 9,000 करोड़ के वर्थ है, बट जो उसकी रीसेलिंग मार्केट को अगर हम करें तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10-20% ऑफ दैट। जैसे आपने ये कौन से जॉर्डन्स हैं जो भी हैं आपके हाथ में, एयर जॉर्डन 6 ट्रैविस स्कॉट ब्रिटिश का के, हाँ, तो ये वाले जो है, और एक होता है नॉर्मल यार हमारे एडिडास के रनिंग शूज हो गए, और उनको हम उनको स्नीकर बोलते हैं, पता नहीं तुम बोलोगे कि अंकल बैठे हैं क्या बोल रहे हैं, तो सब कुछ 9,000 में कवर्ड है ना। यस, ध्यान से देखोगे तो आपने बाय सेल ट्रेड लिखा हुआ है।
तो एक तो जूते रख दो यार, बहुत अजीब लग रहा है पकड़ के बैठ तब से है ना। अरे प्रीमियम जूते, इनको पकड़ने में भी एक शान होती है, करेक्ट ना? तो बैग पकड़ लो फिर, सबको दे दो एक एक। नहीं एक्चुअली दे आर वेरी हेवी। द क्वेश्चन, मेरा चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट, यूज स्नीकर्स। नहीं वो बोल रहे थे कि हमने बाय सेल ट्रेड तीनों की। बाय सेल ट्रेड क्यों रखा हुआ है आपने? ऐसा दिखने में लगता है कि आप सेकंड हैंड बेचते हो क्या? ऐसा सच है? हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट प्लेस क्रिएट करी है, सुपर किक्स, वेज नॉनवेज और नाइकी। इन तीन प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया में स्नीकर्स रिलीज होते हैं फॉर रिटेल प्राइस। इनका 20,000 रिटेल है, ये 20,000 के वहां रिटेल हुए, एक मिनट में सोल्ड आउट हो गए, उसके बाद आए सेकेंडरी मार्केट में, यानी रीसेल मार्केट में हमारे पास। फिर आप फिर वो जो आप बेचते हो सेकेंडरी मार्केट में, वो नया भी बेचते हो? सारे नए ही बिकते हैं भाई लोग। इनको आपका बिजनेस समझ में ही नहीं आ रहा है यार। नहीं नहीं, पूरा समझ आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आपका सेल्स क्या है? सेल्स क्या है बताइए। एक्चुअली 8 मंथ्स पहले अपनी मोनेटाइजिंग शुरू की थी, तो हमने अभी तक 26 लाख का रेवेन्यू किया है। लास्ट मंथ कितना की? लास्ट मंथ 3.5 के अराउंड, 3.5 लाख। 3 लाख रुपए आप जिस कॉस्ट बता रहे हैं, जो प्राइस बता रहे हैं 20,000 रुपए का स्नीकर, मतलब 15-20 स्नीकर आप महीने के बेचते हैं? जो हमारी जीएमवी है, हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वो अराउंड 5.5 करोड़ है। पिछले महीने तुम्हारा 3 लाख जो हुआ, उसके अगेंस्ट कितने जूते बेचे, कितने के जूते बेचे? एक्चुअली शूज कई बार सीधे सीधे डील हो जाते हैं, बायर और सेलर आपस में बात करके ले लेते हैं, तो हम इतना ट्रैक वेबसाइट के बिना रख नहीं पा रहे हैं। करेंगे लेकिन फटाफट मेरे रैपिड फायर 3 क्वेश्चन आंसर करो। डू यू हैव अ प्रायर इन्वेस्टर? छोटे रीसेलर्स बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत थोड़ा थोड़ा स्टॉक है। इफ यू चेक आउट आवर प्रोफाइल कभी, तो वी हैव मोर देन 4,000 स्नीकर्स लिस्टेड ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो आप इंस्टाग्राम पे वहाँ आप जूते बेचते हो, खाली लोगों को मिलाते हो, पूरा समझाइए। अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी फॉर द मोमेंट वी आर ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। हमने ये देखा कि मार्केट में कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे सारे स्नीकर्स मिल जाएं। सो वी क्रिएटेड अ मार्केट प्लेस, एग्रीगेटर मार्केट प्लेस। तो 1500 रीसेलर्स हमने अपने साथ कनेक्ट किए, जो हमारे इंस्टा पोर्टल पे अपने स्नीकर्स लिस्ट करते हैं। करेक्ट। हम बायर को सेलर से डायरेक्टली मिलाते हैं अभी, उसके बदले हम रीसेलर से सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं। एज सून एज वी मूव टू द ऐप मॉडल, वील बी चार्जिंग कमीशन। एवरी स्नीकर दैट इज सोल्ड थ्रू अस गोज थ्रू अस, वो हमारे हाथ से होके जाएगा, हम उसका क्वालिटी चेक करते हो। यस। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा? एवरेज 20,000। ये जो आप लोग ने जूते पहने हैं, ये भी क्या वही टाइप के जूते कलेक्टेबल्स हैं? दे आर आल्सो लिमिटेड। क्या क्या प्राइस है जूतों के? द वन आई एम वेयरिंग एंड दानिश इज वेयरिंग, ये 10,000 के रिलीज हुए थे, अभी 21,000 के। अरे वाह। और ये ऑलमोस्ट 10,000 के रिलीज हुए थे, 35,000 के। मैं इन जूतों में इन्वेस्ट कर देता हूं कंपनी जगह, क्योंकि हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, वी हैव एन ऑफर फॉर यू। तो मैं और रशनीर वुड लाइक टू कम इन टुगेदर। आपके बिजनेस में अभी बहुत सारे वीकनेसेस हैं। 5 करोड़ वैल्यूएशन जो आप मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। सो वी वुड लाइक टू ऑफर यू 50 लाख, बट फॉर 30% ऑफ योर कंपनी। इसमें मेहनत बहुत लगेगी, रीसेल भी करनी है ना, तो तुमको अपनी बुक्स पे करनी है। आप गाड़ियों की सेकेंड हैंड मार्केट भी देखिए, ठीक है, जितने बड़े प्लेयर बन गए, ड्रूम बन गया या कोई और बन गया, कार देखो, वो उसके ब्रांड पे और उसकी सर्टिफिकेशन पे बिक रहा है। अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट है, तो ऑन द बिल आप होने चाहिए, तभी ये बनेगा ब्रांड। नहीं नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरी बात। उन्होंने बुलाया, डिच करके उनके पास जा। अरे नहीं, उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूँ यार। जूते EMI पे बिकने चाहिए ना, तब मजा है। जैसे मैंने पोस्ट पे प्लेटफॉर्म बनाया है, yes. उस पे इसको लिस्ट करा देंगे ना सीधा। बाकी तू भी IT दिल्ली का, मैं भी IT दिल्ली को कर लेंगे यार। अभी एक दूसरा ऑफर आ रहा है, सुन लीजिए। ऑफर नहीं, इसको बोलते हैं दूसरों की दाल में तड़का डालना। ब्रिंग इट ऑन। स्नीकर की मार्केट क्रेजी है, मतलब देयर पीपल जो पहले आ चुके हैं, बट मुझे अभी भी डाउट हो रहा है तुम लोग एग्जीक्यूशन कैसे कर पाओगे, कर लोगे? डेफिनेटली सर, अभी तक भी हम करते हैं। रादर लेटली अभी GQ मैगजीन में वी वर फीचर्ड एज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर हाइप अपैरल्स एंड स्नीकर्स इन इंडिया। यार आपकी तो वेबसाइट ही नहीं है, मार्केट प्लेस कैसे फीचर हो गए? एवरीथिंग स्टार्ट्स स्लो। कितने लोग है टीम? वी हैव टोटल 14 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग अस। भाई जो इतने सवाल पूछते हैं ना, उसे ऑफर भी मांग लेते हैं। हां जरा ऑफर पूछ लीजिए। व्हाट डू यू थिंक अमन? अमन हमें छोड़ के उस तरफ? नहीं यार, दिल बन रहा है तो अगर करना है ना, तो एक काम करते हैं, सारे आ जाते हैं, पांचों शार्क, क्योंकि सबको इंटरेस्ट है।
सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज लाएंगे, जैसे लेंस कार्ड वाले अपने साथ वो ले आएंगे, यू नो मार्केट प्लेस मॉडल, इनसे अच्छा कोई नहीं है। शादी.com हर शादी में एक गिफ्ट दिलवाएंगे। नहीं ना, 200 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है ना, ये सब समझ आता है। ये अपने हस्बैंड एंड बच्चों को भी बहुत बिकवाएंगे ऐसे स्नीकर्स। मेरे को तो जूते EMI पे बेचने हैं बॉस। और मुझे भी ब्रांड बिल्डिंग और यू नो ये कम्युनिटी की नॉलेज है। हम पांचों शार्क चलो कर देते हैं 30%, तो ईच ऑफ अस गेट 6%। कैन वी मेक अ कॉल? किसको कॉल करेंगे? पापा को करो। पापा को। पापा की भी इक्विटी है इस बिजनेस में? नहीं, मेंटोर है आपके। ही इज अ मेंटोर। अगर पापा कहेंगे कि नहीं लेना 25-15 करना है तो आप ड्रॉप कर देंगे आज? हाँ। ये बताइए बस। हाँ चलिए जाओ, बात जाओ जाओ, कॉल करो। ओ मेरे पापा दिख रहे हैं यार, ये तो डील ही वीक होती जा रही है मेरे लिए। पापा शो पे हूँ, फोन लाउडस्पीकर पे है, कॉल करा है डिसीजन लेने के लिए। मैं तो आप लोगों की पे आ रहा हूँ, स्पेशली अगर पापा से बात करनी है तो मैं तो बाहर जाता हूँ इस टाइम पे। रिस्पेक्ट भी होती है यार कि पापा ने बोला कल घर से निकाल देंगे। ये जो स्नीकर हेड कम्युनिटी है ना, दे लिव एंड डाई स्नीकर्स, वो मन नहीं बदलेंगे। ओ मेरे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। I think sharks, we have a counter offer. Let's close it at 20. थोड़ा सा नीचे लाके राउंड करने के लिए नंबर्स, जस्ट हम 25 पे कर देंगे डील, बट वो आखिरी है, लीव इट और टेक इट। चार पार्टनर है क्योंकि एक, इसके दो, तीन, चार, 25, 25, 25, 25 उतनी मेहनत करेंगे आपके जितनी मेहनत करें। चले फिर। Yo boys. Let's do it. Let's take it. We have a deal. And we are betting on you guys. Yes. Thank you so much. I love you, sneakers. देखो, मैं अभी ये sneakers नहीं पहनता, पर मैं पहनना चाहता हूँ। Love your sneakers. Thank you so much. Well done.